नमस्कार दोस्तों, सीखो सरल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाने जा रहा हूँ। मंडोले सॉन्ग का जो नागिन बीन धुन का पार्ट है, उस पूरी धुन को मैं आपको पियानो पर बताने जा रहा हूँ। इस नागिन धुन पर मेरे पहले से ही दो वीडियो हैं जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, जिसमें एक वीडियो के 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, पर उस वीडियो में पूरी धुन नहीं है। इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि पियानो पर भी पूरी नागिन धुन सिखाएं, तो आज मैं कंप्लीट धुन पियानो पर सिखाने जा रहा हूँ। हारमोनियम पर भी मैंने नागिन धुन का पूरा वीडियो बनाया है। आप अगर हारमोनियम पर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, आप लिंक पर क्लिक कर सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक लाइन को मैं बजा के दिखाऊंगा, उसके बाद उसी लाइन को नोटेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और वही लाइन के नोटेशन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। ये पूरी नागिन धुन सिर्फ 8 लाइनों में है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, इसको स्लो देख लेते हैं। नोटेशन देख लेते हैं इसके, डी शार्प, सी शार्प, ई, सी शार्प, डी शार्प, बी। बी जो है ये लोअर ऑक्टिव का नोट है, उसके बाद सी शार्प, फिर से लोअर ऑक्टिव का बी। इस लाइन को हमको 3 बार बजाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये जो हमने लाइन सीखी है, इस लाइन को हमें 3 बार बजाना है। इसके बाद दूसरी लाइन है, दूसरी और पहली लाइन बिल्कुल सेम है, बस सेकंड लाइन में लास्ट में एक नोट कम है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए दूसरी लाइन के नोटेशन भी देख लेते हैं, डी शार्प, सी शार्प, ई, सी शार्प, डी शार्प, बी, सी शार्प। आपको ध्यान रखना है, हमने पहली वाली लाइन जो सीखी उसको 3 बार बजाना है, और सेकंड में जो हमने लाइन सीखी उसको 1 ही बार बजाना है। बजाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों लाइन को हम ऐसे जोड़ेंगे कि ये अलग ना दिखाई दें, बिल्कुल एक ही लाइन लगे। किस तरह से, एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पहली लाइन को 3 बार बजाया और सेकंड वाली लाइन को 1 बार बजाया, और दोनों को इस तरह से जोड़ा कि एक ही लाइन लग रही है। अब इसके बाद तीसरी लाइन आती है, पहले मैं आपको बजा के दिखा दूँ। स्लो देखेंगे इसको, नोटेशन देखेंगे इसके, डी शार्प, ई, जी शार्प, ए, जी शार्प, ए, जी शार्प, ए, जी शार्प। अब चौथी लाइन है, स्लो देखेंगे इसको, नोटेशन देखेंगे इसके, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प। अब जैसे ही चौथी लाइन ख़त्म होगी, उसके बाद पहली और दूसरी लाइन को रिपीट करना है, और रिपीट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि पहली लाइन कितनी बार बजी है उतनी बार हमें रिपीट करनी है। इसके बाद पांचवी लाइन शुरू होती है, स्लो देख लेते हैं, आपने ध्यान दिया होगा मैंने एक ही लाइन को 2 बार बजाया है, आपको एक ही लाइन को 2 बार बजाना है। नोटेशन देख लेते हैं, जी शार्प, जी शार्प, एफ शार्प, ई, इसको 2 बार बजाना है। इसके बाद छठी लाइन है, इसको भी हमने 2 बार बजाया है, ये ध्यान रखिएगा। स्लो देख लेते हैं, नोटेशन देखेंगे, ए, ए, जी शार्प, एफ शार्प। इसके बाद सातवीं लाइन है, इसको भी हमने 2 बार बजाया, ध्यान रखिएगा। स्लो देख लेते हैं,
नोटेशन देख लेते हैं। बी बी ए जी शार्प, इस लाइन को भी हमें दो बार बजाना है। इसके बाद आखिरी लाइन आती है, आठवीं लाइन, पहले मैं आपको बजा के दिखा दूं। आठवीं लाइन जो है वो सी शार्प से शुरू होगी और उल्टे क्रम में चलती हुई लोअर ऑक्टेव के बी से होकर सी शार्प तक खत्म हो जाएगी। आठवीं लाइन की जो नोटेशन बताऊंगा उसको आप एक कागज में लिख लीजिए। नोटेशन को आप चार चार नोट के पैटर्न में लिख लीजिए। नोटेशन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे, आप वहाँ से भी उतार सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको एक कागज़ पर किस तरह से चार चार के पैटर्न में नोट को लिखना है। सबसे पहले आप कागज पर उतारिए सी शार्प, बी, ए, जी शार्प। इसको उतार के कोमा लगा दीजिए या डैश लगा दीजिए। उसके बाद डैश लगा के लिखिए बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प। उसके बाद फिर से डैश लगा के लिखिए ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई। उसके बाद फिर से डैश लगा के लिखिए जी शार्प, एफ शार्प, ई, डी शार्प। उसके बाद फिर से डैश लगा के लिखिए एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प। उसके बाद फिर से डैश लगा के आखिरी बार लिखिए। अब लास्ट में जो हम लिखने जा रहे हैं वो है ई, डी शार्प, सी शार्प, बी और सी शार्प। आपने ध्यान दिया होगा लास्ट वाला चार की जगह पांच नोट हैं, बाकी सारे नोट हमने चार चार के पैटर्न में लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था सी शार्प, बी, ए, जी। तो हमें इसको बजाना है इस तरह से, हमें प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद बी, ए, जी शार्प, एफ शार्प। इसके बाद ए, जी शार्प, एफ शार्प, ई। इसके बाद जी शार्प, एफ शार्प, ई और डी शार्प। इसके बाद एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी शार्प। और इसके बाद लास्ट में जो आएगा वो फिर से देखिए, पहला वाला था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला, चौथा, पांचवा और लास्ट में। इसमें आप स्पीड की चिंता बिल्कुल ना करें, जैसे मैंने आपको समझाया एक एक पैटर्न को आपको लेना है और एक एक पैटर्न को आपको बजाना है और साथ में जोड़ते चले जाना है। पहले एक पैटर्न बजाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से आप चार चार नोट का एक एक पैटर्न बजाते जाइए और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। पहले आप इसी तरह से बजाइए, उसके बाद फिर आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। ये नोट आपको दिक्कत नहीं होगी याद करने में, चार चार के पैटर्न में मैंने इसीलिए आपको बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो। जब आपको सारे नोट अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आप आराम से इस पूरी लाइन को बजा पाएंगे। लाइन भले ही बहुत लंबी है मगर जब हम चार चार का पैटर्न लेकर इसको सीखेंगे और आराम से बजाएंगे तो हमें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। और रही स्पीड की बात, तो वो ऑटोमेटिक बजाते बजाते आपको आ जाएगी। अब आठवीं लाइन के ख़त्म होते ही हमें तीसरी और चौथी लाइन को रिपीट करना है, और जब तीसरी और चौथी लाइन रिपीट हो जाएगी उसके बाद पहली और दूसरी लाइन रिपीट करनी है, और फिर इस धुन के बजने के बाद गाना शुरू हो जाता है मंडोले। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।